तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाकर एक बार फिर से यह सिद्ध किया है कि आप कितने भी बड़े स्थान पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। रामनगर के लैंड पावर गोलकांड मामले में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित MPMLA कोर्ट ने फैसला सुनाया, साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मालूम हो कि कोर्ट ने गोलीकांड में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था। इसी के तहत मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस फैसले को लेकर सुबह से कोर्ट परिसर में लोगों की उमड़ने लगी थी। सभी फैसले के इंतजार में थे और आखिरकार दोपहर करीब 4 बजे कायट ने विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई। वहीं इस बार भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। देखिए, अदालत ने विधायक ममता देवी जी और अन्य लोगों पर जो सजा सुनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा तो पहले से ही मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है तो वो प्रजातांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन गोला में 2016 में IPL फैक्ट्री के सामने एक भीड़ को हिंसा के लिए विधायक के द्वारा उत्तेजित करने का आरोप था। उसके बाद हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, अनेक अधिकारी चोटिल हुए थे। तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाकर एक बार फिर से यह सिद्ध किया है कि आप कितने भी बड़े स्थान पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस फैसले के आने के बाद विधायकी भी ममता देवी जी की चली जाएगी। तो बहरहाल अदालत के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।